और एल्विस भाई का भी सपोर्ट आ चुका है उधर से। एल्विस भाई को मैंने टैग करा था उनके सॉन्ग पे। यहाँ तक कि बच्चा घुसाओ भी व्यूज़ बनाओ, तो मैंने बच्चा घुसाया लेकिन व्यूज़ आया नहीं। यहाँ पे धनबाद में ब्लॉग करता हूँ यार, तो पब्लिक का ऐसा रिएक्शन हो जाता है कि लग रहा है। हेलो मेरे फैमिली, आई होप आप सभी का दिन अच्छा जा रहा होगा। एंड अभी दोपहर के बज रहे हैं 12, जस्ट मैं विशाल के पास सुबह में करीब करीब 7 बजे आ गया था। एंड गाड़ी चलाते वक्त काफ़ी मेरे को ठंड लग रही थी एंड कंडीशनिंग तो ऐसे ही ख़राब थी, और घूम के मेरी और भी कंडीशनिंग में भी ख़राब हो जाएगी, वो तो भगवान भरोसे है। एंड अभी जस्ट सो के पहले उठा हूँ एंड उससे पहले एडिटिंग करा मैंने, जो प्रीवियस वाला वीडियो आप लोग ने देखा नहीं होगा तो प्लीज़ उसका देख लेना, लिंक बटन में डाल देता हूँ। काफ़ी हम लोग ने इन्जॉय करा, न्यू ईयर सेलिब्रेट करा, आप लोगों को देखने को मिला होगा। एंड अभी मैं मिल लूँगा ओट्स लूँगा, क्योंकि बॉडी जो बनाई है उसको सही कार्ब्स देना, प्रोटीन देना, ये मेरा इंटेक होता है। अगर आपकी तबीयत ख़राब भी होती है तो आप डाइट को मेंटेन करते रहो, कंडीशनिंग आपकी ठीक रहेगी। एंड आप लोगों को देखने से लग रहा होगा मेरा फेस उस, एंड ये सारा कुछ को ग्रूम भी करवाना है, तो इसके लिए मैं कल जाऊँगा, कल मेरे को फुर्सत होगी। एंड आज मैं ऑफ़िस कैंसिल कर दिया, ऑफ़िस भी नहीं गया क्योंकि आज जनवरी 1st है, 1 जनवरी को मैं काम नहीं करता एंड संडे मैं काम नहीं करता, ये समझ लो संडे मैं कभी काम नहीं करता, सिर्फ यूट्यूब के लिए काम करता हूँ, मेन चैनल हो या फिर ब्लॉग वाली चैनल हो। एंड यहाँ पे मेरा ओट्स है, बस इसको अभी खाऊंगा एंड फिर जैसा सिनेरियो होगा मैं आप लोग से फिर बताऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रेकफास्ट करने के बाद, ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद तुम्हारा भाई बैठा एडिटिंग में। करीब करीब मेरे 2 से लगा 2.5 घंटे और मैं एडिटिंग करके कंप्लीट कर चुका हूँ। एंड अभी जो प्रीवियस ब्लॉग वीडियो, मतलब इससे पहले जो लिंक में आई बटन आप लोग को दिख रहा हो, वो वीडियो अपलोड होने पे जा रहा, तो ये वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। करीब करीब मेरा एक वीडियो 1.5 GB का होता है और एडिटिंग को मैं काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ कि अलग ही यूनिक दिखाऊँ, ये सारे को होता है तो 1.5 GB। एंड मनोज भाई ने एक बात कहा था कि बच्चा घुसाओ भी व्यूज़ बनाओ, तो मैंने बच्चा घुसाया लेकिन व्यूज़ आया नहीं। इसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश। कुछ कुछ बात हमको लगता है गलत होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, थोड़ा भाई नॉलेज हम लोग को भी दीजिए क्योंकि हम लोग भी अनप्रिडिक्टेबल बातें कर लेते हैं। हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपको देख के ऐसा लग रहा है, क्योंकि नंबर 1 यूट्यूबर आप धनबाद झारखंड के हो, तो सीख रहा हूँ, नॉलेज ले रहा हूँ। एंड आज का जो न्यू ईयर का प्लान है हम लोग का, आज है जनवरी 1 और हमारा जो न्यू ईयर है वो घर पे ही बन रहा। एंड जो स्टाइल देख रहे हो एकदम देसीपन, एल्विस यादव टाइप, तुम्हारा भाई एल्विस यादव जैसा लग रहा होगा, देसी एकदम देसी जान जैसा लग रहा है। सो शाम को मैं जाऊँगा मॉल, भाई को एक शूज़ लेना है तो वो शूज़ दिलवाना है मेरे को। एंड अभी यहाँ पे बैठ के वीडियो को अपलोड करूँगा, पब्लिश करूँगा, देन थोड़ा रेस्ट करूँगा। एंड उस पर के बज चुके 2 और मैं घर पे ही हूँ। एंड आप लोग को पता है मैं अगर ऑफिस में रहता हूँ तो वहाँ पे कैंटीन का खाना खाना पड़ता है, तो घर में कभी कभी मैं जो रहता हूँ तो घर में आज बना है मेरे लिए खिचड़ी, तो इस खिचड़ी को खाते हैं। एंड आप लोग भी अपने घर में सुरक्षित रहना, आज है जनवरी का 1 तारीख और 1 तारीख को घूमने नहीं जाना चाहिए ऐसा सब बोलते हैं। एंड खिचड़ी देखो, हमारी खिचड़ी एकदम ऐसी है, ये एकदम महंगे चावल, मतलब अनुमान लगा सकते हो कितनी महंगी चावल होगी, ज़्यादा बताता हूँ नहीं मैं। सो खाना खाते हैं और आप लोग से आगे मिलते हैं। That I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. So, मेरे को कुछ सामान लेना था, विशाल मेगा मार्ट एंड जूडियो 2 ही जगह है जो मेरे को मेरा जो मनपसंद चीज़ें मिलता है। एंड यहाँ पे जो ग्रोसरी की शॉपिंग होती है तो उसमें मैं डाइट्स का जो मेंटेन करता हूँ, अपने डाइट्स को मेंटेन करने के लिए नट्स हो गया, आलमंड्स हो गया, ये सारे जो यहाँ पे काफ़ी डिस्काउंट में देते हैं, तो ये एक बढ़िया मेरे को पे बैक देता है।
एंड अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, अभी मैं लिया नहीं हूँ, अभी मैं देखता हूँ डिस्काउंट सारे कुछ कैरी करके उसको लूँगा। एंड सो यहाँ पे जैसे ही ब्लॉग शूट करता हूँ कि पब्लिक का अलग ही रिएक्शन होता है, कि पब्लिक सोचती है मैं कहीं कर्जा नहीं लिया भाई, इसका अलग ही रिएक्शन रहता है। एंड मॉल में मेरे कुछ पुराने दोस्त मिले थे, मेरे से फ़ोटो थोड़ा भी खिंचवाए क्योंकि बोले भाई फ्यूचर तो बड़ा ब्राइट है, तो मैंने भी उसको फ़ोटो वोटो दे दिया। एंड अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, तो आप लोग से घर पर जाके बात करता हूँ। भाई डिनर कंप्लीट हो चुका है, सो डिनर हमारा यही था जैसा कि आपको देखने को मिला। एंड न्यू ईयर में हमारे मिडिल क्लास फैमिली हो या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सभी का न्यू ईयर ऐसे ही बीतता है। और कुछ लोग रिच होते हैं तो पार्टी फंक्शन किया जाता है, वो हम भी कर सकते हैं लेकिन किए नहीं। मेरा फोकस एक ही है और मेरा फोकस और मेरा गोल डेडिकेशन एक ही है कि मैं जब ग्रो करूँगा तो मेरा कुछ अलग क्वालिटीज़ है। जो सक्सेसफुल पर्सन होता है, मैं एसेट्स में ज़्यादा बिलीव होता हूँ और एक्सपेंस में कम करता हूँ। एसेट्स मेरे को ये बोलता है कि मैं इन्वेस्टिंग उस चीज़ों में करता हूँ जिन चीज़ों को मेरे को रिटर्न बैक मिले, उन चीज़ों को। सो ट्रांसफॉर्मेशन करना मेरा एक एसेट है, वो मेरे को रिटर्न बैक देगा। एंड बहुत सारी चीज़ें मैं सीखा हूँ, वो आप लोग को इस जर्नी में देखने को मिलेगा, ड्रीम बॉय करण हो या फिर मेन चैनल पे भी वीडियो आने वाली है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और फुल्ली डेडिकेशन है भरा हुआ। और एलविस भाई का भी सपोर्ट आ चुका है उधर से, एलविस भाई को मैंने टैग करा था उनके सॉन्ग पे क्योंकि एलडीसी था, बस ठंड लग रही थी इस टाइप का एंड तबीयत भी नॉर्मल हो रहा, पॉजिटिव सारी चीज़ें हो रही है, ये एक अच्छा वाइब्स आ रहा है, अलग ही फील हो रहा है। सो आज के ब्लॉग वीडियो को करते हैं फिल, होप यू टुडे एंजॉय द ब्लॉग। तब तक के लिए गुड बाय, आई लव यू ऑल।